जब हम ऑरिकुलर थेरेपी करें तो समझ जाइए कि सबसे पहले हमें चश्मा हटवाना है। तो चश्मा हटा के आपके को कान का पूरा एक्सेस मिल जाएगा। अगर किसी ने टॉप्स पहने हैं तो टॉप्स भी हम उतरवा देंगे, क्योंकि इस एरिया में हमारा दिमाग आता है। जब भी ऑरिकुलर थेरेपी करें तो समझ जाइए कि आपको ऑयल से पहले पूरे कान को ग्रीस करना है, नहीं तो चोट भी लग सकती है। अपने हाथों को और अपने क्लाइंट के कान को अच्छे से ग्रीस कर लें। अब बात करते हैं हम कहां से क्या क्या आता है। ये पूरा स्पाइन का एरिया है। जब हम इस तरह से मसाज करेंगे तो समझ जाइए कि पूरे स्पाइन का इलाज हो रहा है। तो इस तरह से मसाज करना है आगे तक, और यहाँ पर इस तरह से यू मसाज करना है। तो ये नीचे की तरफ, ये हमारा दिमाग है और ये हमारा पूरा स्पाइन है, ये हमारी टांगियां गई। और याद रखने के लिए, जैसा एक बच्चा होता है ना माँ की कोख में कैसे बैठा रहता है, इस तरह से बैठा रहता है, उसका सर नीचे और पूरा शरीर घूम के इस तरह से। तो यही शेप होती है। याद करने के लिए आप इस शेप को भी रिमेम्बर करके सिमिलैरिटी के साथ इलाज कर सकते हैं, है ना कमाल की बात। प्रकृति बहुत ही अच्छी है, आपको याद करने में बहुत ही सहायता देती है। आजमा के तो देखिए, इस तरह से हमें अंदर तक पूरे कान की मसाज करनी है और कान के आसपास का एरिया भी पूरा मसाज करना है। इस तरह से यहां से लेकर यहां तक और नीचे तक, ये एक ऐसी नस है जो कि पूरी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं कनेक्ट होती है। तो अगर हम इस तरह से करेंगे तो क्लाइंट की जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका पूरा बॉडी का एनर्जी बैलेंस आउट हो जाएगा, एक एक ऑर्गन का एनर्जी बैलेंस आउट हो जाएगा। इस तरह से करना है। कभी कभी क्लाइंट का कान लाल हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, एक दो घंटे बाद नॉर्मल हो जाएगा। पर जो एनर्जी बैलेंस आउट होगी वो कमाल की होगी। थोड़े हल्के हाथों से कीजिए, अगर उनको ऐसा लगता है कि बहुत तेज दर्द है तो थोड़े हल्के हाथों से कीजिए, पर पूरा कान कवर अप कीजिए इस तरह से। कभी बच्चे को लगता है ना ये तो मेरी बात सुनता ही नहीं है, तो यहाँ का जो पॉइंट है, ये उठा हुआ उसके आगे का पॉइंट, ये दबाइए, ये प्रेस कीजिए 10 से 12 बारी रोज सुबह शाम। धीरे धीरे देखेंगे आपका बच्चा आपकी बात सुनने लगेगा। ये अगर ओबे नहीं करता है, ये ओबे का है। बच्चे बहुत शरारती होते हैं, बातें नहीं सुनते ना मम्मी पापा की। ये जो पॉइंट है ये आपकी बातें दिमाग तक ले जाएगा और उन्हें सुन लेगा।